हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास बजाज की डिस्कवर 100 सीसी बाइक है और इस बाइक का चेंज करना स्पीडोमीटर कंप्लीट। तो ये स्पीडोमीटर मैं क्यों चेंज कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो ये जो हमारा स्पीड मीटर है और इसमें फ्यूल वाली सुई नहीं है, ये देखो ये फ्यूल वाली सुई नहीं है और जो स्पीड मीटर वाला है उसमें भी सुई नहीं है। बाकी जो इसका कवर वगैरह सारा कुछ टूटा है, तो हम कंप्लीट इसका चेंज करने वाला, पूरा मीटर कंप्लीट चेंज करने वाले और आप लोगों को बताएंगे कितने का है, क्या प्राइस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पुराना वाला लगा हुआ है इसको हमको ओपन करना है, मतलब इसको खोलना है। तो चलो हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका वाइजर तो पहले ही खोल दिया था। अब यहाँ पे एक बोल्ट 10 नंबर का ये दिख रहा होगा आप लोगों को और दूसरा जो हमारा इस साइड में यहाँ पे ये देखो ये, तो ये दो बोल्ट को खोलोगे तो आपका जो स्पीड मीटर है वो कंप्लीट बाहर आ जाएगा। तो चलो दो बोल्ट को खोल लेते हैं, इसका स्पीड मीटर जो बाहर निकाल दें। तो दो बोल्ट हमने इसका खोल दिया है और यहाँ से हमने इसकी वायर भी निकाल दी, ये देखो ये स्विच निकाल दिया और मीटर की ये देखो वायर भी निकाल दी। बट इसमें वायर नहीं, हो सकता है इसका वायर वगैरह नया डालना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। पहले इसका स्पीड मीटर निकालते हैं पूरा कंप्लीट। अब बाहर दो बोल्ट खोलोगे इसका स्पीड मीटर जो वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसको खींच के निकाल लोगे, पट्टी में लगा रहता है ये निकल जाएगा बिल्कुल आराम से, इसको निकालना है। तो चलो इसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद इसमें नया फिटिंग कैसे करना है वो बताते हैं। ये देखो ये हमारा कंप्लीट स्पीड मीटर निकल चुका है, पूरा कंप्लीट है और ये हमारा नया है। तो ये जो हमारा नया है ये मुकुट कंपनी का है और इसकी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी जो आप लोगों को दिखा देते हैं ये है इसकी एमआरपी। ये देखो ये डिस्कवर 100 सीसी एमआरपी है 1600 रुपये, 1600 रुपये इसकी एमआरपी है और आप लोगों को मिल जाएगा 150-200 रुपये कम का मिल जाएगा। ऐसा नहीं एमआरपी टू एमआरपी नहीं मिलेगी। बाकी ये देखो ये है इसका स्पीड मीटर कंप्लीट, स्पीडोमीटर कंप्लीट सेट दो पन्नी में आता है, इसको निकाल लेते हैं। और ये देखो बिल्कुल नया है, ये देखो बिल्कुल नया है, ये कहीं से भी मतलब एकदम बिल्कुल नया है और इसकी सॉकेट वगैरह है इसमें। और इसको हमको खोलना पड़ेगा, पुरानी वाली जो एक चीज लगाना पड़ेगा। तो पुराना वाला मीटर ले लेते हैं, यहाँ पे जो पट्टी है ये पट्टी को हमको लगाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये पट्टी नई नहीं आती है, ये हमको पुरानी ही पट्टी लगाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं, एक पेचकस लेते हैं और पेचकस से जो पुराना वाला है और नया वाला है ये दोनों को हमको करना पड़ेगा ओपन, क्योंकि इसमें जो पट्टी है वो लगाना पड़ेगा। बाकी इसमें होल्डर वगैरह हर चीज है, बस हमको पट्टी इसमें फिटिंग कर देना है। पुराना वाला जो स्पीड मीटर था उसको हमने खोल दिया और ये पट्टी हमने बाहर निकाल ली। ये देखो ये 8 नंबर के बोल्ट पे टाइट रहती है, इसको आप लोगों को बाहर निकाल लेना है क्योंकि ये जो है पुरानी वाली ही लगेगी, हमको नई नहीं मिलती है। तो अभी हम इसको सारे को रख देते हैं साइड में और उसके बाद जो हमारा नया वाला स्पीडो मीटर कंप्लीट इसको खोलते हैं। इसको पीछे से खोलते हैं, इसके नीचे पन्नी रख देंगे, स्क्रैच वगैरह ना आए। बाकी इसके तीन स्क्रू खोल के इसकी पट्टी फटाफट से लगाते हैं और कंप्लीट इसको बाइक में फिटिंग करते हैं। ये पट्टी जो हमारी है 3 बोल्ट में लगेगी, यहाँ पे 3 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के, इनको खोल के और इसको लगा देना है बस, ये इस तरीके से रख के। और इसमें वाइसर लगाना है पहले तीनों में और तीन लोग लगाने के बाद इसके जो बोल्ट 8 नंबर के वो लगा के इसको कंप्लीट टाइट कर देना। उसके बाद इसका जो ऊपर वाला बाहर वाला कवर है वो भी लगा देना है। तो चलो ये बोल्ट को हम कंप्लीट टाइट कर लेते हैं पहले। तो ये पट्टी जो फिटिंग हो चुकी है, ये देखो ये फिटिंग हो चुकी है पट्टी, और अब हमको जो पुराना वो कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसका सीधे से ये जो कवर बैक वाला है, बैक वाला कवर लगा के इसको टाइट कर देंगे और उसके बाद इसको बाइक में कर देंगे फिटिंग। ये वाला कवर लगाते इसके 3 स्क्रू लगा के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा स्पीड मीटर हो गया कंप्लीट, इसकी पट्टी हमने पुरानी वाली लगा दी है और अब हम बाइक में इसको करते हैं फिटिंग। फिटिंग करते हैं, ये हमारी बाइक है और बाइक में हम इसकी फिटिंग करते हैं, वायरिंग वगैरह इसकी करते हैं और इसका मीटर वगैरह देखते हैं चलता है या नहीं चलता है, वायर चेंज करना पड़ेगा या पूरी केबल चेंज करना पड़ेगा। और अगर मीटर गरारी सही है तो वो हम लगा देंगे, अगर नहीं सही तो उसको भी हमको चेंज करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मीटर को पहले फिटिंग कर लेते हैं, 2 बोल्ट लगा के इसको टाइट कर लेते हैं मीटर को पहले। मीटर की सॉकेट हमने लगा ली है, बाकी हमारा मीटर कंप्लीट टाइट हो चुका है, फिटिंग हो चुका है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखो बिल्कुल नया मीटर है और अब इसका स्पीड मीटर जो है वो चालू करते हैं। इसकी केबल में वायर नहीं है तो पहले चेक करते हैं इसका जो वर्म है वो सही है या नहीं। तो वायर हमने नीचे से खोल दिया, ये देखो केबल हमने नीचे से खोल दिया और यहाँ की गरारी जो होती है वो नहीं घूम रही है। तो इसकी गरारी को चेंज करते हैं, केबल को चेंज करते हैं, दोनों को चेंज करना पड़ेगा हमको। तो हमने इसका स्पीड मीटर चालू कर दिया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या चेंज किया। पहले इसका स्पीड मीटर मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ, बाइक का पहिया घुमाते हैं इस तरीके से और इसका स्पीड मीटर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये हमारा चलने लगा स्पीड मीटर, ये देखो
ये नीचे आने लगा। तो हमारा स्पीड मीटर हो चुका है चालू, और वापस से एक बार आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। ये देखो 10 पे चला जाता है, बाकी ये आ गया नीचे। और इसमें अब हमने चेंज क्या क्या किया है वो आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले इसका स्पीड मीटर चालू कैसे हुआ, तो इसका ये केबल हमने कंप्लीट न्यू डाली है, पूरी नई कंप्लीट केबल डालना पड़ा है। और जो ये केबल की प्राइस है वो ये है, ये डिस्कवर 100 CC प्लेटिना में भी लग जाती है, डिस्कवर में भी लग जाती है। इसकी MRP यहाँ पे है, ये इसकी MRP है। और इसकी जो मीटर वर्म मतलब जो हमारी गरारी होती है वो हमने कंप्लीट चेंज करी है, क्योंकि इसकी गरारी पूरी खराब थी, केबल और गरारी दोनों चेंज करना पड़ा है जब हमारा स्पीड मीटर चालू हुआ। बाकी वर्म आप लोगों को 60-70 रुपए का मिल जाएगा। और इसकी केबल की मैंने आप लोगों को प्राइस बता दी है। और अब यहाँ पे हमारा इसका जो स्पीड मीटर केबल थी वो हमने ये देखो चेंज कर दी है, बाकी गरारी हमने नहीं डाल दी, तो हमारा मीटर हो गया कम्प्लीट। और अब इसकी हेडलाइट ये है, तो हेडलाइट को बाइक में फिटिंग कर देते हैं कम्प्लीट, उसके बाद आप लोगों को इसकी लाइट वगैरह दिखाते हैं मीटर की। तो हमने इसका वाइजर कंप्लीट टाइट कर दिया, सारे स्क्रू हमने वाइजर के टाइट कर दिए, हमारी हेडलाइट भी देखते हैं चालू है या नहीं है। और बाकी इसका हमने मीटर चेंज किया कंप्लीट, तो इसकी लाइट वगैरह सारी चेक करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, लाइट वगैरह सारी चेक कराते हैं आप लोगों को। ये चाबी कौन की, न्यूट्रल लाइट इसकी चालू हो गई है, बाकी इसको किक मारना पड़ेगा क्योंकि बैटरी इसकी डाउन है। बाकी हम स्टार्ट कर लिए बाइक को, और अब देखो मीटर न्यूट्रल की लाइट भी तेज जलने लगी है। और अब मैं साइड का इंडिकेटर चालू करता हूँ, तो राइट साइड का इंडिकेटर यहाँ पे शो कर रहा है, देखो बैटरी डाउन है, तो न्यूट्रल लाइट भी स्लो फास्ट हो रही है, ये देखो बैटरी डाउन है। और अगर लेफ्ट का चालू करें तो लेफ्ट का यहाँ पे देखो ब्लिंक कर रहा है, ये देखो लाइट भी चालू है। और अब जो इसकी हेडलाइट चालू करके मीटर के सारे लाइट चेक करवाते हैं, ये देखो हेडलाइट चालू किया, और यहाँ पे देखो मीटर में फ्यूल वाले मीटर में भी लाइट चालू है। और बंद करते हैं, ये देखो ये बंद किया, बंद हो गई, ये वापस से हम चालू किए तो ये चालू हो गई फ्यूल वाली। और अब स्पीड वाली देखते हैं, देखो स्पीड वाला भी बल्ब ये देखो बंद किया है, और ये हम चालू कर रहे हैं, तो दोनों हमारी लाइट ऑन ऑफ हो रही हैं। जब हम हेडलाइट चालू करते हैं तो हमारी जो मीटर में सारी लाइट चालू है, टोटल लाइट चालू, और हेडलाइट भी इसकी चालू है, और अपर डिपर भी इसका, ये देखो ये डिपर भी जल रहा है। तो सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, कैसे हमने इसको चेंज किया, कितने का है, कितने का आया, क्या क्या हमको चेंज करना पड़ा स्पीड मीटर चालू करने के लिए, और नया स्पीड मीटर कितने का, ये भी आप लोगों को मैंने बताया, वहां पे सारा हमारा पुराना पड़ा हुआ है। तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।